असलम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 4A न्यूज़ कैंटी मैथमेटिक्स बुक 3 का जो एक्सरसाइज 4A है, उसको क्वेश्चन नंबर 2 हम करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसका अपलोड कर चुके हैं, उसमें कोई मसला है तो देख सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें उसने एक हमें टेबल इस तरह का दे दी है, और सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि ग्राफ पेपर पर चलते हैं और उसका क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करते हैं। जब ग्राफ ड्रा हम कर लेंगे तो उसके बाद हम इसका पार्ट 2 पार्ट 3 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर अच्छा, तो चलिए पहले ग्राफ ड्रा करें। तो स्टूडेंट, हम आ चुके हैं जी, अभी हम ग्राफ ड्रा करने लगे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें वो कह रहा है द नंबर ऑफ फायर इंसिडेंट दैट अकर इन सिटी ईच डे ओवर अ पीरियड ऑफ 60 डेज वाज रिकॉर्डेड। यानी 60 दिनों में 2 माह के अंदर क्या हुआ, कुछ इंसिडेंट जो थे आग लगने के वाकयात वकूअ पज़ीर हुए, उनको हमने क्या करना है कि उसका एक हिस्टोग्राम बनाया करें। ड्रा द हिस्टोग्राम टू इलस्ट्रेट द डेटा, हमने हिस्टोग्राम बनानी है। ठीक हो गया, तो देखें जो हमने हिस्टोग्राम बनानी है इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, ये देखें हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ डेज जो है, नंबर ऑफ डे 16, 12, 11, 9, 6, 2, 2 एंड 2, ये नीचे हमारे पास नंबर ऑफ डेज हैं और इस तरफ हमारे पास नंबर ऑफ इंसिडेंट हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इंसिडेंट है, तो यानी कि 16 डेज ऐसे हैं जहां पर कोई ऐसा हादसा रिपोर्ट नहीं हुआ, 12 दिन ऐसे हैं जहां जब सिर्फ एक एक हादसा जो है रिकॉर्ड हुआ, 11 दिन ऐसे हैं जब क्या हुआ, 2 जो है इंसिडेंट रिकॉर्ड हुए, इस तरह 9 डेज ऐसे हैं जब 3 ऐसे हादसात हुए, 6 डेज ऐसे हैं जब 4 हादसात हुए, 2 दिन ऐसे हैं, 2 जो हैं ऐसे दिन थे कि 2 दिन ऐसे थे जब 5 हुए, 2 ऐसे दिन थे जब 6 हादसात हुए, 2 ऐसे दिन थे जब 7 हादसात हुए। तो इसको हमने क्या करना है, एक इलस्ट्रेट हिस्टोग्राम, हमने हिस्टोग्राम बनाने लगे। बुक आप अपने पास रखें क्योंकि डेटा हम यहाँ से लेंगे। तो अभी देखें हमारे पास जो बनेगा, पहला जो है हमारे पास, ये देखिए मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का के ऊपर एक यानी ड्रा कर लिए हैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक हिस्टोग्राम ड्रा करूँगा। अब इसमें आप देखें स्केल की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास ऑन एक्स एक्सिस 5 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट के, जो ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 बॉक्सेज हैं, उन्हें मैंने 1 कहा है। नेक्स्ट से जो है वो 5 बॉक्सेज हैं, इसी तरह 2 हो जाएगा, नेक्स्ट बॉक्सेज हैं 3, नेक्स्ट बॉक्सेज 4 एंड अप टू सो ऑन। ये हमारे पास इस तरह क्या है, 5 बॉक्सेज को हमने 1 कहा हुआ है, सही है। तो अभी हमारे पास अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो 4 स्मॉल बॉक्सेस को मैंने 2 कहा है, यानी अगर देखें 1, 2, 3, 4 को 2 कहा, नेक्स्ट जो 4 हैं अगेन वो 2 में ऐड होगा, 4 हो जाएगा, 2 में मजीद 2 ऐड होंगे तो 6 होगा, यानी 4 जो बॉक्सेस हैं वो 2 के इक्वल हैं। तो जो पहली फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ डेज हैं इसमें, उनमें हमारे पास 16 नंबर ऑफ इंसिडेंट हमारे पास इस तरह आ गए, और जो नंबर ऑफ डेज, अच्छा नंबर ऑफ डेज इस तरफ हमारे पास आ गए और नंबर ऑफ इंसिडेंट इस तरह, ये नंबर ऑफ क्या है, इंसिडेंट नहीं है, ये नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ डेज है, नंबर ऑफ डेज आपने लिखना है, ठीक है, ये नंबर ऑफ डेज है और इस तरफ नंबर ऑफ इंसिडेंट है, यानी फ्रीक्वेंसी है इस तरफ, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक हो गया, ये एक्स एक्सिस है एंड देन वी है वाई एक्सिस। अब देखें हमारे पास 0 जो हादसात हुए तो ऐसे कितने हमारे पास जो है दिन है, नंबर ऑफ इंसिडेंट, अच्छा ठीक है, अच्छा यहां पे सही था वो, मैंने नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ इंसिडेंट है, ये ठीक लिखा होता, नंबर ऑफ इंसिडेंट है, ठीक है, ये नंबर ऑफ इंसिडेंट इस तरफ है और क्या है, क्योंकि नंबर ऑफ डेज जो है 0 से लेकर 7 तक है, ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज हमारे पास इस तरफ है और नंबर ऑफ जो है ना, नंबर ऑफ इंसिडेंट इस तरफ है, सॉरी नंबर ऑफ इंसिडेंट इस तरफ है, नंबर ऑफ डेज जो है ना वो इस तरफ है। अब देखो कितने दिन थे जब 0 हादसा हुए, तो देखें ये देखें हमारे पास 16 दिन ऐसे हैं जब 0 क्या हुआ, हादसात हुए, तो हमारे पास ये इस तरफ क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, हादसात रखे हुए हैं, तो 0 हादसात जो थे वो कितने दिन हुए, यानी कि 16 दिन कोई हादसा नहीं हुआ, तो इसलिए आपने सिंपल क्या करना है, ये देखिए 1 के ऊपर आपने इस तरह रखना है ऐसे, और 16 के बिल्कुल सामने आप एक डॉट लगा लें, 16 के सामने डॉट लगाने के बाद क्या करें कि इसको इस नीचे वाली लाइन से, यानी जहाँ पे 5 बॉक्सेस का पहला डॉट है उसके साथ, यानी 5 बॉक्सेस का पहला डॉट उसको ऐसे ज्वाइन कर लें, तो ये क्या है कि हमारे पास इसको शेड हल्का सा कर लें,
अब क्या हुआ कि हमारे पास 16 डेज ऐसे हैं, 16 डेज ऐसे हैं जब हादसात क्या हुए, जीरो है। इस तरफ हमारे पास नंबर ऑफ हादसात हैं, यानी जीरो वाकयात हुए, जीरो इंसिडेंट हुए। कितने कैसे थे, और ये इसके साथ ब्रैकेट में बेशक डेज भी लेते हैं, फ्रीक्वेंसी में डेज। तो हमारे पास 16 दिन ऐसे थे जब जीरो हादसात हुए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास 12 दिन ऐसे हैं कि जब एक हादसा हुआ। 12 दिन ऐसे थे जब नंबर ऑफ इंसिडेंट कितने हुए। तो अब हमारे पास 1 से लेकर हमने क्या करना है, 1 वाले को 12 तक लेके जाना है। ये देखें, इसी के साथ आप 12 वाली देखें, ये 12 वाला आ रहा है, एक इधर और एक इसके बिल्कुल सामने आपने लगाना है, ठीक है, और इसको आपने इधर ज्वाइन कर देना है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्या था, यानी 12 दिन ऐसे थे, ये देखें 12 डेज ऐसे थे जब नंबर ऑफ इंसिडेंट कितने हुए, एक हुआ, यानी एक हादसा हुआ। कितने दिन एक एक हादसा हुआ, 12 दिन हुआ। तो इसलिए देखो हमने 12 तक लेके गए इसे, और ये देखें इसका हिस्टोग्राम का दूसरा बन गया है। इसको साथ से शेड करते रहना, ठीक है, यानी कि 12 दिन इसलिए था, यहाँ 12 लिख लो इधर 16, यानी 16 दिन ऐसे थे जब जीरो इंसिडेंट हुआ, 12 दिन ऐसे थे जब एक इंसिडेंट हुआ। अब हम देखते हैं कि वो कितने दिन है जब दो हादसा हुए। अच्छा, 11 दिन ऐसे थे जो जब दो हादसा हुए, यानी ये देखें 11 दिन ऐसे हैं, 11 दिन ऐसे हैं जब क्या हुआ, दो हादसा हुए। तो 11 दिन ऐसे हैं जब दो हादसा हुए, तो हमने 11 तक इसे लेके चले जाना है। अच्छा, ये देखें यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 10 है। 10 और 12 के दरमियान टोटल जो हमारे पास बॉक्सेस हैं वो कितने हैं, 4 हैं, 1 2 3 4 हैं। तो लाजमी बात है जो 11 होगा वो क्या होगा, इन चार बॉक्सेस का हाफ आएगा, मतलब 2 बॉक्सेस, ये क्या आएगा, 11। यानी यहाँ पर हमारे पास क्योंकि 10 और 12 के दरमियान 4 बॉक्स हैं, तो लाजमी बात है इन दोनों 4 बॉक्सेस का हाफ क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ 11, तो ये देखिए ये 11 वाली, ये बिल्कुल 11 वाली लाइन है। और इसके आगे आपने क्या है, 5 बॉक्सेस क्या करें जी, 1 2 3 4 5, ये 5 बॉक्सेस पे एक लाइन लगाएंगे, तो नहीं इधर आएगा 5वां, 1 2 3 4 5। ये देखें आपके पास, इसको आप क्या करें, नेक्स्ट पर ये देखें जी, अगला डॉट है ना, इस डार्ट को कितने, 11। यानी कि 11 दिन ऐसे हैं जब कितने हादसात हुए, दो हादसात हुए, तो इसलिए हम 11 पर ले गए। अगेन इसको भी आपने क्या कर लेना है, ऐसे शेड कर लेना है। अभी हम देखते हैं कि 3 हादसात कितने दिनों में हुए। अब देखें 9 दिन ऐसे हैं, ये देखें 9 दिन ऐसे हैं जब क्या हुआ, 3 हादसात हुए। तो 9 तक जाएंगे हम, ये देखें ये हमारे पास 10 है, और 10 से के नीचे हमारे पास ये देखें ये वाली 8 वाली लाइन होगी, ये देखें ये वाली 8 वाली लाइन है, ये देखें ये देखें ये 8 वाली लाइन है। तो यहाँ इसका मतलब है 8 हो गए, और यहाँ देखो 10 हो गए, तो टोटल बीच में 1 2 3 4 बॉक्स हैं, तो इनके दरमियान में 2 बॉक्स जो है वो 9 होगा, ठीक है। तो ये 9 हो गए, ये देखें आपने ऐसे कर लेने, और इसके साथ आपने इसको आगे 5 बॉक्सेस तक लाइन लगाई, ये देखें ये आ गया, ये यहाँ पर अगला डॉट ये वाला है, नेक्स्ट डॉट को इसके साथ ज्वाइन करें। तो अब क्या हुआ कि एक और हमारे पास इसका वर्टिकल कॉलम बन गया हिस्टोग्राम का, जिसमें हमारे पास क्या है जी, कितने हादसात हुए, 9 हादसात हुए, यानी 3 दिन, 3 दिन ऐसे हैं जब 9 हादसात हुए। अब हम देखते हैं जी नेक्स्ट 4 की तरफ चलते हैं। देखो 4 हमारे पास है, ये देखें 6 क्या होगा, नंबर ऑफ इंसिडेंट, यानी कि जो 4 हुए वो कितने हुए, ये हमारे पास देखें 6 डेज हैं, 6 डेज हैं जिनमें हमारे पास 4 हादसात हुए। तो 4 हादसात देखें, हादसात ये है ना, ये 4 हादसात है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 हादसात हुए, और कितने दिन 4 हादसात हुए, 6 दिन 4 हादसात हुए। तो ये देखिए यहाँ से बिल्कुल आपका 6 वाला है, ये देखें ये 6 वाला है, ठीक हो गया। इसके आगे 5 बॉक्सेस काउंट कर लें, 1 2 3 4 5, एक और डॉट लगा लें 5 के बाद, उसके बिल्कुल नीचे आपके पास ये डॉट मौजूद है, उसके साथ आपने क्या करना है, इसको ज्वाइन कर लेना है। ये देखो जी हमने ज्वाइन कर लिया, तो जी हमारे पास कितने हादसात हुए, 6 हादसात हुए, 4 हादसात हुए, 6 दिन ऐसे हैं, यानी कि 6 डेज ऐसे हैं, 6 डेज ऐसे हैं जब 4 हादसात हुए। अब हम देखते हैं कि 5 हादसात कितने दिनों में हुए। अब आप देख सकते हैं कि 5 6 7 ये क्या है कि
फाइव हादसात भी 2 दिन हुए, सिक्स हादसात भी 2 दिन हुए, सेवन हादसात भी 2 दिन हुए। तो इनमें हमारे पास जो लास्ट में 3 वर्टिकल कॉलम बनेंगे वो बिल्कुल स्ट्रेट बनेंगे के टू पर। अब देखिए हमारे पास टू वाली लाइन जो है हमारे पास ये है, तो ये देखें जी ऐसे कि सेवन के ऊपर एक डॉट लगा लेना, 1 2 3 1 2 3 4, ये देखें ये 4 है ना, ये आपने के 7 के ऊपर लगा लिया क्योंकि नहीं बल्कि यहाँ पे आएगा यहाँ पर, वो मैं आपको बताता हूँ। चले एक एक बना लेते हैं आसान रहेगा। ये देखें जी यहाँ पर पहला पहली लाइन लगा लें, यानी कि 5 हाथ 7 हुए 2 दिन में, 2 दिन ऐसे थे जब 5 हाथ 7 हुए, अगेन 2 दिन थे जब 6 हाथ 7 हुए, तो अगेन देखें 1 2 3 4 5, ये देखें 1 2 3 1 2 3 4 5, ये वाली लाइन है ठीक है जी। तो इसको इधर से यूं ज्वाइन किया और आप बेशक इसको ऐसे नीचे ज्वाइन कर लें, यहाँ पर भी यानी कि 2 दिन ऐसे भी थे जब 6 हाथ 7 हुए और फिर लास्ट में ऐसे ज्वाइन कर लें, अगेन 2 दिन ये 2 दिन, 2 दिन ऐसे भी थे जब अगेन क्या हुआ 6 हाथ 7 हुए। तो इसलिए ये जो लास्ट वाला था ये तो बिल्कुल एक क्या हुआ इस तरह एक स्ट्रेट लाइन लगेगी, और यहाँ यानी कि ये हमारे पास 2 दिन ऐसे थे जब 5 इंसिडेंट हुए, अगेन 2 दिन ऐसे भी थे जब 6 इंसिडेंट हुए, और 2 दिन ऐसे भी थे जब 7 इंसिडेंट हुए। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की जो हिस्टोग्राम थी वो हमने क्या कर ली जी बना ली। ये मैं आपको दिखा देता हूँ जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने क्या कहा, ड्रा हिस्टोग्राम टू इलस्ट्रेट द डेटा। अब हमारे पास नंबर 2 है, नंबर 3 है, ये वाले जो 2 पार्ट हैं ये हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर, इसको व्हाइट बोर्ड पर सॉल्व करेंगे। अच्छा तो स्टूडेंट हमारे पास ग्राफ तो हमने कर लिया, ग्राफ ड्रा करने के बाद हमारे पास क्या है कि जो नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है ना उसमें वो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ डेज व्हिच हैड नो फायर इंसिडेंट। सबसे पहले तो उसने असल में रेशो फाइंड करनी है, नंबर 2 में ये कह रहा है कि ये बताएं कि एक रेशो फाइंड करें उन दिनों में, उन दिनों के दरमियान जहाँ जब कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ, यानी फायर का कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, कहीं आग नहीं लगी, और ऐसे दिनों के साथ जहाँ 5 या 5 से ज़्यादा वाकया आग लगने के हुए हैं, यानी फायर इंसिडेंट 5 या 5 से ज़्यादा जो इंसिडेंट हुए हैं वो कितने ऐसे दिन हैं, यानी वो कितने ऐसे दिन हैं जहाँ जो केस रिपोर्ट हुए या तो 5 हुए हैं कि भाई 5 जगह आग लगी है, या 5 से ज़्यादा केस जो है फाइल हुए या रिपोर्ट हुए कि भाई आज 6 जगह हुआ है, आज 7 जगह हुआ है, ऐसे इंसिडेंट हुए। तो अब अगर देखें तो ये नंबर ऑफ इंसिडेंट है और ये नंबर ऑफ क्या है डेज है। तो देखो 16 डेज ऐसे हैं जहाँ पर कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ, कहीं कोई भी ऐसा केस या ऐसा इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ जहाँ पर क्या हो गया भाई आग लगी है। तो 16 दिन अमर रहा, सुकून रहा, शांति, किसी किस्म का कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, दैट इज द नंबर ऑफ डेज 16। अब हमें बताने हैं कि नंबर ऑफ डेज विच हैड मोर देन 5 इंसिडेंट। देखो 5 इंसिडेंट यानी 5 से ज्यादा इंसिडेंट, तो ये ऊपर तो इंसिडेंट है। अब देखो नंबर ऑफ इंसिडेंट 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ तो 5 का तो इंसिडेंट है। 6 और 7 देखो नंबर ऑफ इंसिडेंट 6 हुए और कितने दिनों में थे, 2 दिन थे ऐसे थे जब 6 हादसात हुए आग लगने के, और अगेन 2 ऐसे दिन थे जहां 7 क्या हुए हादसात हुए। तो 2 प्लस 2, अब देखें ये नीचे 2 प्लस 2 क्यों लिखा, उसकी रीजन ये कि यहां तक तो ये था कि 5 हादसात हुए थे, इधर 4 हादसात हुए, यानी 6 दिन ऐसे हैं जहां 4 हादसात हुए, 9 दिन ऐसे हैं जहां 3 हादसात हुए आग लगने के, 11 दिन ऐसे थे जब 2 इंसिडेंट हुए फायर, 12 दिन ऐसे थे जहां जब एक दिन क्या हुआ, उन 12 दिनों में सिर्फ 1 दिन एक हादसा पेश आया, 16 दिनों में आए गए। तो उसने कहा है कि ऐसे दिन बताओ जब 5 से ज्यादा हुए हैं। तो देखो 5 से ज्यादा तो यहाँ पे ना 2 दिन ऐसे थे जहाँ 5 से ज्यादा 6 हादसात हुए, अगेन 2 दिन ऐसे हैं जहाँ 5 के बजाय 7 हादसात हुए। तो इसलिए हमने नंबर ऑफ डेज जो ये हैं 2 प्लस 2 इसलिए ऐड किए कि ये वो दिन 2 दिन हैं, यानी 2 ये वाले दिन और 2 ये वाले दिन, टोटल जो है 4 दिन हैं जब जो हादसात हुए उनकी तादाद 5 से ज्यादा है। तो अब देखो इसकी रेशो की अगर बात की जाए तो रेशो क्या आ जाएगा,
16:4 सिंपलीफाई कर दो, डिवाइड बाय 4 करो, ये 16 को भी 4 पे डिवाइड कर लो, 4 को भी 4 पे डिवाइड कर लो, 4 4 16, 4 1 4, तो 4:1 हमारे पास इस दूसरे का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कह रहा है, एरोफिक्स सेज दैट द मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ फायर इंसिडेंट इज 16, डू यू एग्री विद हिम, एक्सप्लेन योर आंसर। अब वो कह रहा है कि एक बंदा है जिसका नाम रोफिंग है, वो कहता है कि सबसे ज्यादा रोफिंग से मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ फायर इंसिडेंट 16, कि भाई सबसे ज्यादा 16 हादसा हुए, सबसे ज्यादा कितने हादसा हुए, कह रहे हैं कि भाई 16 हादसा हुए, ऐसे दिन है जिसमें सबसे ज्यादा 16 हादसा हुए, भाई 16 जो है 16 जो है वो नंबर ऑफ इंसिडेंट नहीं है, 16 क्या है, नंबर ऑफ डेज है, 16 इज द नंबर ऑफ डेज व्हिच हैड, 16 इज द नंबर ऑफ डेज व्हिच हैड नो इंसिडेंट, 16 दिन, तो इसका आंसर शुरू करके क्या होगा, नो इज रॉन्ग, कि वो जो बात कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, 16 जो है वो नंबर ऑफ डेज है एस जहां पर कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, जबकि उसने क्या कहा है कि भाई 16 इंसिडेंट हुए, भाई 16 इंसिडेंट नहीं हुए, 16 क्या है, नंबर ऑफ डेज है कि जहां पर एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, कोई ऐसा आग लगने का कोई हादसा रिपोर्ट हुआ ही नहीं, 16 दिन वो दिन है जब हुआ ही नहीं, तो इसलिए नंबर ऑफ इंसिडेंट 0 है, 16 नहीं है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा, इसमें कहीं किसी एक कंफ्यूजन है जो कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।